ये भारत का नया संसद भवन है। चार मंजिला इमारत 64,500 वर्ग मीटर में भारत की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच स्थित है। यह पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का एक हिस्सा है। नए संसद भवन की इमारत को किसने डिजाइन किया है, इस इमारत को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए हैं, यह पुराने संसद भवन की इमारत से कैसे अलग है, आइए जानते हैं। भारत के नए संसद भवन को डिजाइन करने की जिम्मेदारी अहमदाबाद स्थित फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग को कई दौर की बोली के बाद दी गई थी और टाटा समूह ने इसे 971 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। नए संसद भवन की इमारत में अकेले 26,045 मीट्रिक टन स्टील, 63,807 मीट्रिक टन सीमेंट, 9,689 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश और अब तक इससे 23,04,095 दिनों का रोजगार सृजित हुआ है। नई संसद की लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की क्षमता है, जबकि पुराने में 545 थी। वहीं राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की क्षमता है, जबकि पुराने में 250 थी। भारत का नया संसद भवन पुराने से करीब 3 गुना बड़ा है और इसका डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, जबकि राज्यसभा का डिजाइन कमल के फूल जैसा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की क्षमता में वृद्धि के अलावा नए संसद भवन में संसद के संयुक्त सत्र के लिए बैठने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है, जिसमें 1,272 सदस्यों के बैठने की जगह और अन्य 1,140 अतिरिक्त सीटों का प्रावधान है।